प्रदेश भाजपा की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश रैली आज बूंदी पहुंची। मुख्य वक्ता भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि पिछले 4 साल में प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। चतुर्वेदी ने प्रदेश में महिला उत्पीड़न और अपराध में बढ़ोतरी पर राज्य सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जन आक्रोश रैली को स्थानीय लोगों का समर्थन मिल रहा है। इस रैली में विधायक चंद्रकांता मेघवाल, अशोक डोगरा, जिला अध्यक्ष शीतरलाल राणा सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश सभाएं चल रही हैं, उसके तहत मैं बूंदी आया था और इसी के मैं कह सकता हूं कि राजस्थान का 4 साल का शासन अगर कोई उपलब्धि हम राजस्थान की सरकार की माने तो ये अराजक सरकार है, संवेदनहीन सरकार है, आम जनता की चिंता करने में नहीं करने वाली सरकार है, विकास विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है और केवल घोषणाओं की सरकार हम इसको कह सकते हैं। 4 साल में अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जश्न मना रहे हैं 4 साल की उपलब्धि होने पर, तो उपलब्धि में एक बात की कह सकता हूँ कि राजस्थान दुष्कर्म के नाते से पहले नंबर पर आया, राजस्थान दलित अत्याचार में पहले नंबर पर खड़ा हो गया, राजस्थान साइबर क्राइम में पहले नंबर पर खड़ा हो गया, राजस्थान किसानों के आत्महत्या के मामले में पहले नंबर पर आ गया, युवाओं की बेरोजगारों की हत्या के मामले में पहले नंबर पर आ गया, बिजली की कीमतों में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में पहले नंबर पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरह जर्जर है। इसका अगर जश्न मनाना है तो मुख्यमंत्री अपने जश्न चलते हैं।